मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर एक कम्युनल वायलेंस हो गया है। ये दंगा दो दिन पहले से शुरू हुआ है और लगातार आज तीसरा दिन है, अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार ये और आगे बढ़ता ही जा रहा है। कौन वो लोग हैं जो लगातार वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक विशेष समुदाय को त्रिपुरा में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक खबर ये आ रही है कि 8 मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, जिसको पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया गया है। कई मुस्लिम घरों पर भी जो वायलेंस करने वाले हैं वो घुस गए, अगर घर पर कोई नहीं है तो घर का सामान लूट लिया और पूरी तरीके से घर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लगातार वहाँ से ऐसी वीडियो आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि जो वायलेंस करने वाले हैं वो लगातार कई ऐसे शहरों में लगातार फैलते जा रहे हैं जहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो वहाँ का लोकल प्रशासन है अभी तक वायलेंस को रोकने में नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि 3 दिन से ये घटना लगातार घटती ही चली जा रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है उन लोगों के खिलाफ जो वायलेंस में हिस्सा लिए हैं और जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो वायलेंस में शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनका लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है और वो बड़े पैमाने पर वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी तक कई मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, कई मुस्लिम घरों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, लेकिन अभी तक किसी के मौत की खबर नहीं है। वहाँ का जो एक विशेष समुदाय है उसको डर लग रहा है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हमने बात करी थी वहाँ के लोगों से, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जो प्रशासन है वो किसी तरीके से उनको रोक नहीं रहा है। वो जहाँ भी जा रहे हैं लोगों को मार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं, लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। एक वकील हैं, उनके घर पर जब वो गुंडे पहुंचे तो जब वो घर पर नहीं थे तो पूरे घर को जलाकर राख कर दिया और जो सामान वहां पर था उसको लूट कर लेकर चले गए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े पैमाने पर त्रिपुरा में वायलेंस फैल गया? तो आज तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी वायलेंस अभी तक रुका नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, आज तीसरा दिन है उसके बावजूद भी ये वायलेंस क्यों नहीं रुका? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का अभी तक कोई स्टेटमेंट उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आया जो इस वायलेंस में शामिल हैं। आपको बहुत सारी वीडियो में दिखाऊंगा, उन वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वायलेंस करने वाले वहाँ पर आगजनी और तांडव मचा रहे हैं, एक विशेष समुदाय को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों में लूटपाट कर रहे हैं, उनके घरों में आगजनी भी कर रहे हैं। देखिए वीडियो आप। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय को त्रिपुरा में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ का लोकल प्रशासन जो है वो भी वायलेंस को रोकने में नाकाम साबित हुआ है और मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनका अभी तक कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।